क्या कहेंगे कि फिर अगर बार बार ये कहा जाएगा आपकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि नुपुर ही जिम्मेदार हैं, और तो इसके मतलब है वो टेरर अटैक नहीं था और सिर्फ उनके एक टीवी टॉक शो की वजह से सब कुछ हो रहा है। काम पड़ता है वहां, कोई ना कोई एक इंडियन आकर बैठ जाता है, इंडियन नहीं, इंडियन ओरिजिन का या फॉर्मर इंडियन। रिसेंटली FATF के जो प्रेसिडेंट है वो एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले राजा कुमार साहब, उनको बना दिया गया है FATF का प्रेसिडेंट, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरी इंडिया के लिए। साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो FATF की जो रिक्वायरमेंट थी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, दूसरी चीज उसको भी पूरा किया। अब अगर फिर भी पाकिस्तान कोई कंसेशन नहीं ले सकता, ड्यू कंसेशन भी नहीं ले सकता, तो क्या करे पाकिस्तान? दे आर एक्चुअली गेटिंग द दोज पोजीशंस व्हिच कैन मेक अस वेरी वीक इन द रीजन। और बेहद काबिल आदमी हो। पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट कॉम की तरह क्यों देखा जाता है? आप जो भी कहें, कुछ ना कुछ इससे ज्यादा हमें करना पड़ेगा। और साथ साथ पाकिस्तान को भी बीच में जो है वो लाया गया कि जी पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए गए थे। देन वी से वी आर नॉट टेररिस्ट, हाउ कैन वी से दैट? हम इन्वॉल्व किसी ना किसी तरीके से तो रहे हैं रीजन में, और ये एक कड़वा सच है। पाकिस्तान की किस्मत ही खराब है, जहां भी काम पड़ता है वहां कोई ना कोई एक इंडियन आकर बैठ जाता है, इंडियन नहीं, इंडियन ओरिजिन का या फॉर्मर इंडियन। पहले IMF से काम पड़ा तो वहां पर डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन के पहुंच गई अपनी गीता गोपीनाथ, हालांकि वो इंडियन नहीं है लेकिन नेशनैलिटी उनके पास अमेरिका की है, लेकिन इंडियन है, इंडिया में पैदा हुई है, इंडिया में पढ़ी लिखी है, इंडिया में सब कुछ है, पेरेंट्स उनके भी इंडियन है। दूसरे FATF से काम पड़ा तो वहां पर जाकर के बैठ गए राजा कुमार। अब पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी लोग, सबको सबको कहीं ना कहीं तो दिख रहा है कि हर जगह जहां आप पहुंचेंगे, जहां पर उंगली डालेंगे वहीं पर एक इंडियन बैठा मिलेगा। तो ये किस्मत खराब होने का नुकसान क्या? नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने अपने कंट्रीज के लिए लॉयल हैं, अपने अपने कंट्रीज के, और बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, तभी उनको चीफ बनाया गया। FATF के जो नए चीफ बने हैं राजा कुमार, ये इस समय अभी मतलब थोड़ी देर पहले तक, थोड़े दिन पहले तक ये एडवाइजर थे। साथ ये दो लोग जिन्होंने मारा है, जो कि दो मुस्लिम्स हैं और इन्होंने मारा है, और इनकी बाइक का नंबर भी जो है वो बताया जा रहा है 2611। और साथ साथ पाकिस्तान को भी बीच में जो है वो लाया गया कि जी पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए गए थे। दो चीजें हैं, पहले आप माइंडसेट देखिए, कोई बंदा एडिशनल पैसे देता है, प्रीमियम देता है, ज्यादा पैसे देता है कि 2611 का नंबर, ये रैंडम नहीं था 2611, उन्होंने अप्लाई करा। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो ये है कि आपके गाड़ी का नंबर निकला, उसका नंबर 2611 था, राइट? निकल जाता है नंबर, कोई बात नहीं, वो नंबर निकल गया 2611, एक तो ये बात है। दूसरी चीज है कि आप बोले कि मुझे 2611 चाहिए, और मैं आपको, क्योंकि हमारी अथॉरिटी में ऐसा होता है, जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है, RTO होता है, वहां पे कुछ कुछ नंबर्स होते हैं, VIP नंबर्स, उसके लिए अगर आप ज्यादा पैसा, आई थिंक पाकिस्तान में भी होता होगा, कई जगह होता है, अगर आपको हाँ तो खास आपको नंबर चाहिए तो आप ज्यादा पैसे दीजिए, फिर आपको नंबर मिलता है। तो उन्होंने पैसे दिए 2611 उनकी बाइक का नंबर था, उन्होंने जश्न मनाया, इतने हिंदुस्तानी मर गए, उसमें अमेरिकन भी थे, उसमें यहूदी भी थे, उसमें सब कुछ थे। इनका हीरो जिन्होंने कत्ल करा, इनका हीरो अजमल कसाब है, आप समझ रहे हैं अर्जुन जी, पहली चीज। दूसरी चीज, जिन तंजीबों के साथ इनका पता लगा है कि इनका राबता था, इनका कनेक्शन था, वो पाकिस्तान बेस्ड हैं, ठीक है? तो अब जाके इन्वेस्टिगेशन होगा, NIA देख रहा है, NIA के हाथ में इन्वेस्टिगेशन है, नेशनल, हमारी जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, NIA इसको देखेगी, और NIA फिर इसको आगे अंजाम तक ले जाएगी कि इसमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। प्रेसिडेंट है वो एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले राजा कुमार साहब, उनको बना दिया गया है FATF का प्रेसिडेंट, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरी इंडिया के लिए और राजा कुमार साहब के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे सामने आ रही है। अगर बात करें हम FATF की, तो FATF में प्रेसिडेंट बनाया है राजा कुमार को, ठीक है, जो कि इंडियन ओरिजिन से जिनका ताल्लुक है अगले 2 साल के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे? बेसिकली ये है कि पाकिस्तानीज एंड आर एस्टेब्लिशमेंट, वी आर ऑलवेज नॉट लुकिंग ऑन दीज थिंग्स दैट इंडियंस आर विद द टाइम दे आर मैनिपुलेटिंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स एंड दे आर एक्चुअली गेटिंग द दोज पोजिशंस विच कैन मेक अस वेरी वीक इन द रीजन।
सर, इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, चाहे हम कमला हारिस की एग्जांपल ले लें जो कि प्रेसिडेंट हैं अमेरिका की, ठीक है, उसके अलावा और भी इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। बड़ी बड़ी पोस्ट पे हम इंडियंस को देखते हैं FATF में, और देख लें कि इंडियंस जो हैं और भी बहुत से मतलब बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, और अब ये खबर आ जाना राजा कुमार जो हैं इंडियन हैं और वो अगले 2 साल के लिए प्रेसिडेंट बन गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली FATF इज एन हॉट इशू फॉर पाकिस्तानीज फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स, दैट्स वाई वी आर लुकिंग एट इट। अदरवाइज इफ यू लुक ओवरऑल इंडियंस, दे आर एवरीवेयर, and what they have invested in last 30 odd years in their human resource, which they actually somehow managed to send in Europe and America and all those, if you see in Silicon Valley, they are already there. So what we are doing over here is that we are focusing only on our local politics. ye batayega ki Pakistan ko as a terrorist com ki tarah kyu dekha jata? History, we fought for other nations and then we say, and in other countries then we say we are not terrorists. How can we say that? We have to justify everywhere. Reason being that hum isko dekhna chahe ya na dekhna chahe, hum involved kisi na kisi tarike se to rahe hain region mein, aur ye ek kadwa sach hai. Usko ab khatam karne ke liye establishment or politicians, they are working on it, but it'll take its time. एग्जैक्टली सर, ये बताइएगा कि आप अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह राजा कुमार जो कि FATF में प्रेसिडेंट बने हैं, आप इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं? फॉर रीजनल पीस एंड फॉर द अदर कंट्रीज इन द रीजन, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, एंड इफ वी सी दिस थिंग, आई थिंक इट्स गोइंग टू प्ले अ नेगेटिव रोल ओवरऑल, सो आई कांट अप्रिशिएट दैट। यस, वी शुड हैव दोज पोजिशंस, यस। तो दोस्तों, आपने ये छोटा सा क्लिप देखा और समझ सकते हो आप पूरा क्लिप देखने के बाद कि भाई क्या सिचुएशन है। पाकिस्तान सोच रहा है कि FATF में जो भारतीय मूल के राजा कुमार जो बने हैं, हालांकि वो भारत से उनका लेना देना नहीं है, वो सिंगापुर के हैं बेसिकली, वो पाकिस्तान के खिलाफ फैसले देंगे। पाकिस्तान ये नहीं सोच रहा है कि इन्होंने जो गलतियाँ की हैं, जो टेररिस्ट इनके अंदर बैठे हुए हैं, अभी हाल ही में इन्होंने एक ऐसे टेररिस्ट को पकड़ा है जो मुंबई हमले में मास्टरमाइंड था, साजिद मीर, इनको मतलब पकड़ा गया और बोला गया कि इन्होंने जुर्माना दे दिया है और उसको सज़ा भी दे दी है। हालाँकि वो भारत ने पूछा था तब इन्होंने बोल दिया था कि वो मर चुका है। तो आप समझ सकते हो अब इनकी सोच कितनी है। हालांकि साजिद मीर हो या हाफिज़ सईद हो, ये तो मेरे हिसाब से चिल्टे हैं। जो मेन प्लानर है वो पाकिस्तान की ISI है, उन्होंने प्लान किया था। ये चिल्टे क्या करते हैं, ये जिहादियों को तैयार करते हैं, बचपन में जो बच्चे रहते हैं मदरसे में आते हैं उनको पकड़ते हुए, गरीब बच्चों को पकड़ के उनको सिखाते हैं बम फेंकना, गोली मारना, और धर्म के नाम पर जो जहर भरा जाता है काफिरों को कैसे मारना है, तो इनका वो काम रहता है। हालांकि इनके भी बाप हैं, वो तो अब खुद ही पावर में है, मतलब ISI की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी फ़ौज की बात कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो। अब उदयपुर में अभी जो हादसा हुआ उसमें जो दो जिहादी पकड़े गए उनका कनेक्शन पाकिस्तान से मिलाया जा रहा है। मुझे लगता है उनका कनेक्शन पाकिस्तान से नहीं मिलाना चाहिए, उल्टा भारत के मुस्लिम उनको पाकिस्तान को वालों को जो जिहादी उनको ट्रेनिंग देते होंगे, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर ज़्यादा रेडिकल इस्लामिस्ट बैठे हुए हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। भारत के बाद बांग्लादेश में बैठे हैं, फिर पाकिस्तान में बैठे हैं। रीज़न मैं बता रहा हूँ क्योंकि काफिरों के बारे में क्या लिखा हुआ है आपको पता है, पाकिस्तान में काफिर बचे नहीं है। भारत में मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा काफिर भारत में, फिर बांग्लादेश में, तो काफिरों के ये देखते होगे आप मंदिर मस्जिद, और मंदिर कह रहा हूँ और मस्जिद कहाँ से आ गई, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्चेस, जैन मंदिर और बुद्धिस्टों के तीर्थ स्थल सब देखते होंगे, तो इनका दिमाग नहीं ख़राब होता होगा। मूर्ति पूजकों को मारने के लिए लिखा है, तो ये तो ज़्यादा रेडिकल है, और है ये गारंटी से मैं कह रहा हूँ, मैंने फील किया है। अब ये लोग वन साइडेड रिस्पेक्ट चाहते हैं कि भाई तुम हमारे की करो रिस्पेक्ट। अब नोपो शर्मा का आप जो पूरा वीडियो देखोगे, आप देखना वो रिप्लाई था, जवाब नहीं था, टॉन्ट नहीं था, वो रिप्लाई था तस्लीम रहमानी पर। लेकिन अब क्या है, जुबैर ने जो एरिया नूपुर का उठाया वो पूरी दुनिया में वायरल करना था, उसे तो अपना प्रोपेगेंडा चलाना था कि इस तरीके का बोला जा रहा है। तो नूपुर से ज़्यादा जिम्मेदार उदयपुर इंसिडेंट का जुबैर है। जुबैर के बाद फिर समझ सकते हो आप नूपुर शर्मा ने जो रिप्लाई दिया वो बस चलाया उसने, और अगर मान लो पूरे देश में आग लग रही है तो फिर तस्लीम रहमानी ने जो चलाया वो भी जुबैर को दिखाना चाहिए था। तो दोस्तों, ये वीडियो खत्म होता है।